अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस साल 11 सितंबर तक सैनिकों की वापसी का ऐलान किया था, लेकिन 4000 से अधिक जवान निर्धारित समय से पहले ही अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। इसके चलते अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। अफगान सरकार और सैनिकों के लिए चुनौती बढ़ गई है। दुनिया भर के तमाम बड़े देश ये कयास लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान गृह युद्ध में फंस सकता है। इसलिए अधिकारी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अफगानिस्तान में किसी भी अमेरिकी राजनयिक कर्मचारी को रखने के लिए काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी क्रम में काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने का प्रस्ताव तुर्की ने दिया था, लेकिन तुर्की अब अपने प्रस्ताव से पीछे हट गया। अब अमेरिका और नाटो बलों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चलाने और सुरक्षित करने की योजना के तहत तुर्की अफगानिस्तान में अतिरिक्त सैनिक नहीं भेजेगा। तुर्की का कहना है कि बिना किसी सपोर्ट के एयरपोर्ट के सुरक्षा की जिम्मेदारी अकेले संभालना चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि अमेरिका ने समर्थन का आश्वासन दिया है। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलुसी अकार ने कहा कि 6 साल तक हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए नाटो के रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के तहत काम कर रहे तुर्की की अफगानिस्तान में सैन्य मौजूदगी बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि प्लान के डिटेल्स पर अब भी चर्चा जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की का कहना है कि वो बिना किसी समर्थन के अपने मिशन को अंजाम नहीं दे सकता। वहीं अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी जारी है, लेकिन राजनयिक अधिकारियों की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अफगानिस्तान में अभी 650 सैनिक यूएस के बने रहेंगे। एसोसिएटेड प्रेस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि मुख्य अमेरिकी सैन्य बल की अपनी वापसी पूरी करने के बाद राजनयिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोटे तौर पर 650 अमेरिकी सैनिकों के अफगान में ही रहने की बात है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि कोई 100 अतिरिक्त अमेरिकी बल काबुल हवाई अड्डे पर संभावित रूप से सितंबर तक मौजूद रहेंगे, ताकि तुर्की सैनिकों की मदद की जा सके। काबुल एयरपोर्ट पर एक अस्थायी कदम के तौर पर अमेरिकी सैनिक तब तक बने रहेंगे जब तक कि तुर्की के नेतृत्व वाला सुरक्षा अभियान अधिक औपचारिक नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।